के गांव दिनौरा में घर पर सो रहे किसान की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। वारदात के बाद गांव में मचा है हड़कंप। आपको बता दें, गांव दिनौरा में सोमवीर किसी तरह गांव में अपना गुजर बसर कर रहा था और झोपड़ी नुमा घर बनाकर रह रहा था, लेकिन बीती रात को हत्यारों ने गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। दूसरी चारपाई पर पास में ही सो रही उसकी पत्नी सावित्री ने उठकर जब देखा तब तक नकाबपोश हत्यारे फरार हो गए थे। मृतक के चार छोटे छोटे बच्चे भी हैं। पत्नी सावित्री का रो रोकर बुरा हाल है। गांव में दहशत बनी हुई है। हत्या का कारण परिवार वाले पुरानी रंजिश को मानकर चल रहे हैं। सर, धारे के गांव में हत्या हुई है किसान की, क्या मामला है? कल रात में सूचना मिली कि धनारी थाना अंतर्गत ग्राम दिनौरा में एक हत्या हो गई है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर धनारी और मैं स्वयं घटनास्थल पर हम लोग पहुँचे। घटना वहाँ पर देखा गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम सोमवीर था, पिता का नाम रमेश, जिसके गला काट कर उसकी हत्या कर दी गई है। उसके बाद तत्काल बाद लाश का पंचनामा भरवा के उसको पहले उसको हॉस्पिटल भेजा गया ताकि हो सकता अगर कहीं भी उसकी सांस चल रही हो तो वो बच जाए, लेकिन तब उसकी मौत हो चुकी थी। पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए बाद उसकी लाश चली गई और उसके पिताजी रमेश द्वारा एक तहरीर दी गई। तहरीर में गांव के ही तीन व्यक्तियों को नामित किया गया है। उसके बाद इसी आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। इसके अलावा पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी कार्रवाई कर रही है ताकि इस हत्याकांड का खुलासा हो सके। अन्य क्या बिंदु हो सकते हैं सर? अब उसके ये भी पता किया जाएगा, गाँव में और किसी झगड़े थे या घर में अंदरूनी कोई और मामला। ये सारी चीज़ तहकीकात करने के बाद इसका फैसला बहुत इसका खुलासा दो तीन दिन के अंदर ही कर दिया जाएगा। ये जो रात मर्डर हुआ है, आपके बेटे को कब मर्डर हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, ये फिर भी कुछ अंदाज का कर लेंगे। क्या नाम बताई? राजू। राजू, तो ये रात जो आपके लड़के की हत्या हो गई, तो जो कहाँ पे सो रहा था ये बच्चा आपका? यही बच्चा, ठीक है। अच्छा अच्छा, और कौन था उसके साथ में, और कौन सो रहा था? अच्छा अच्छा, फिर कितने बजे घटना आई लगभग, कुछ मालूम है? जो यार पहले सोता ही बात है बारे में यही बात। पत्नी नाम क्या है? गायत्री। अच्छा, गायत्री ने शोर मचाया, घर गई है भागती हुई। कुछ बता रही थी कोई? कितने आदमी बता रही? कुछ आदमी वादी बता रही जो तो आए जब भीतर। अच्छा, दो भीतर। हाँ, बैठे और बांधे हैं और कह रहे हैं पैंट टी शर्ट कह रहे हैं। अच्छा, और दो तीन तो बाहर की वहाँ दो तीन बाहर भी खड़े थे। तो कुछ और हत्या बता रही है, कुछ हाथ बता रही है? नौ कर रही है, जो करना मुझे को जैसे दिन मुँह में ऊँचा देकर जब वो मारे हैं तो थोड़ी बहुत तो उनने जोर करी है समीरा ने, उनसे निकाल दी बकुआ हाथ में। अच्छा, तो और तक हाथम लग रहा हुआ उनके लिए। अच्छा, नौ कर रही बीहू में करना हाथम लग रहा हुआ वैसे, और मार के यहाँ एकदम से तो बंद दरवाजे हाँ कई दरवाजे जो है तो मार के एकदम दे। अच्छा अच्छा, तो कोई तुम्हारी कोई रंजिश है क्या पुरानी कोई किसी लड़ाई भैया काल के नाई रंजिश काल के नाई बाप व लोड़ा आया से कबू काल के लड़के ना जाने कबू काल से क्या कहना जाने क्यों मारा हम मालूम पड़े भैया। और तो हमसे कोई बात ना, जो ये परवटी है हमारी जाई पे हमारी नकाल इस पे जगह जगह पर झगड़ा चल रहा था उस जगह जो इतनी जगह घूमने तो है ये पर आगे हाँ जो अगला को जा घर से जो अगला को निकलना। अच्छा, जाई पे नेकाद हुआ वैसे हमारी काल से गांव से काल से करना बाप कबू लड़ैया ना है लौड़ा कबू लड़ैया ना है काल से घर वाले हैं तुम्हारे? हाँ हाँ, कहाँ हैं? संग गए होंगे तुम अगर मेरे पास। अच्छा, तो कोई बात ना आई हमसे और काल से गांव में ही है ना।